इसके माध्यम से सह चिकित्सीय कर्मियों पैरामेडिक्स को अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखने स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने पर ऐसा करने वाले सह चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने संबंधी आदेश जारी किया गया है। मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि मध्यप्रदेश में फिजियोथेरेपिस्ट को सह चिकित्सा कर्मी मानते हुए उनका पंजीयन पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर किया जाता है। इस वजह से मध्यप्रदेश के सभी फिजियोथेरेपिस्ट भी ये नियम लागू होता है, उन्हें इसके तहत अपने नाम के सम्मुख डॉक्टर लगाने में स्वतंत्र प्रैक्टिस करने पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित अनेक राज्यों में फिजियोथेरेपिस्ट के पंजीयन के लिए पृथक से फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर मानते हुए नाम के समक्ष डॉक्टर लगाने स्वतंत्र प्रैक्टिस करने की भी अनुमति है। मध्य प्रदेश में पृथक काउंसिल नहीं होने के कारण इन्हें पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत ही अपना पंजीयन कराना होता है और इस पर पैरामेडिकल काउंसिल के नियम ही लागू होते हैं जो प्रथम दृष्टया अनुचित और दोषपूर्ण है। मेरा मानना है कि उपरोक्त राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्र फिजियोथेरेपी काउंसिल गठन करने एवं राज्य के सभी फिजियोथेरेपिस्ट को चिकित्सक मानते हुए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य के फिजियोथेरेपिस्ट को सम्मानजनक रूप से कार्य करने जैसे से मध्य प्रदेश में फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने के शुभकामनाओं से आपका दिग्विजय सिंह। तुम हो गया फिजियोथेरेपिस्ट? इसमें दस्तखत कर दूं? ठीक, तुम मुझको एक महीने का समय दो, विधानसभा चल रही है, अगर पहली अगस्त से कुछ ना हो चेयर दे रहा हूं। चेयर कुछ सर, दो मिनट के लिए बात भी करनी। हाँ करो ना, आप भी चेयर खड़े खड़े बात करें प्लीज, मैं बैठने मुझे दिक्कत होती है। ये दस्त करो। हाँ बताओ। इसमें हमने अपनी मांगों को रखा हुआ है, वो सब ये है ना इसके सर। अटैच करो। आपसे रिसीविंग सर, जो आदेश निकाला है इसका कलेक्ट्रेट को आदेश जो गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो किसी भी क्लिनिक पर अटैक ना हो। मैं अभी बोल देता हूँ, मैं सर वही चीफ सेक्रेटरी को बोल दूंगा इसको स्टेक, इसको ऑर्डर को स्टेक कर। मैंने मंत्री जी को ढूंढा था, वो नहीं मिली, मैंने मंत्री जी को लेके मैं आने वाला था साहब। ठीक है, डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर भावना, तपस्या, मैं सुमित राणा करेंगे बेटा। तुम ऐसा है, ये सब बरसात में बात छोड़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, और पहली अगस्त तक नहीं होता फिर तुम्हारे बैठेंगे, मैं साथ बैठूंगा तुम्हारे।